सुजानपुर भाजपा मंडल ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के ऊपर सरकारी पैसे विधायक निधि के गलत तरीके से खर्च करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुजानपुर विधायक वोट बैंक के खातिर इस तरह का काम कर रहे हैं, जिससे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर के नागरिकों का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि ताजा उदाहरण पशुओं की निर्मम हत्या का है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की रंगड़ पंचायत में जिस तरह से निर्मम पशुओं की हत्या हुई है, उससे सुजानपुर के विधायक दोषी हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने उस आपराधिक भगोड़े गौशाला संचालक को सरकारी पैसे रेवड़ियों की तरह बांटे। उस पैसे का उस व्यक्ति ने गलत इस्तेमाल किया। दर्जनों की संख्या में वहां पशु मारे गए, तो वहीं दूसरी ओर गौशाला के नाम पर सरकारी पैसे का भी गलत इस्तेमाल करके चंद लोगों को खुश करने के लिए दर्जनों पशुओं की बलि विधायक ने दी है। उन्होंने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में गौशाला खोलें, एक नहीं 10 खोलें, लेकिन गौशाला पंजीकृत हो, उसकी कमेटी पंजीकृत हो, गौशाला की आय व्यय का पूरा हिसाब किताब जनता के सामने हो। जिस गौशाला के ऊपर विधायक ने वोट बैंक के खातिर करीब 1,10,000 सरकारी पैसा खैरत की तरह बांटा है, ये गौशाला आज तक पंजीकृत नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने एक बार नहीं कई बार सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है और झूठ की राजनीति के चलते वोट बैंक का साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की राजनीति के खातिर आज दर्जनों पशु मौत के आगोश में समा गए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी डंगड़ पंचायत में आने वाले दिन में आप मीडिया के माध्यम से पता चला भी, वहाँ पे बहुत सारे बेसारा जानवरों की निर्मम हत्या हुई है, बाघ के तड़पते हुए जानवर मरे हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, जब ये गौशाला बनी थी जिस नीयत से किसने बनाई थी, चलो बनाई ठीक है, अच्छी बात है बनाई गौ माता के लिए, सारे हिंदू से जुड़े हुए हैं, तो जब वो बनाई तो वहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उसने उसको 1,00,000 रुपये उस टाइम अनुदान दिया, उसके बाद 10,000 रुपये और दिया। जब वो सरकारी पैसा माननीय विधायक महोदय द्वारा दिया गया तो क्या उन्होंने ये पता किया वो उस गाड़ी उस जो गौशाला उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है? तो जब हमें जानकारी मिली उसका आज तक पंजीकरण नहीं हुआ है। तो सबसे पहले गलती तो उन्होंने ये की बिना पंजीकरण किए किसी को फ़ायदा देने के लिए किस नीयत से उन्होंने वो पैसा दिया। तो मैं प्रशासन ये मांग करता हूँ पहले तो उसकी इंक्वायरी की जाए वो कैसे उन्होंने पैसा वहाँ पर बांटा और कैसे, और जो जिन लोगों ने वहाँ पर गौओं को संचालन करें उनकी उनके ऊपर जांच की जाए कैसे उन्होंने वहाँ पे उन जानवरों को बांध के मारा है। तो मेरे ये प्रशासन यही मांग है, सबसे पहले स्थानीय विधायक से पूछे जाए आपने वो किस नीयत से वो पैसा दिया था और बिना पंजीकरण के कैसे उसको फ़ायदा पहुँचा दिया, क्या वो पूरा पैसा वहाँ लगा था या नहीं लगा था। ये तो सबसे पहले ही तो हम जो स्थानीय विधायक है जिन्होंने वहाँ पर पैसा दिया था उनको ज़्यादा पता होगा, मुझे लगता है ये सभी मिलीभगत से हुआ है। मुझे नहीं लगता है वहाँ पे उसकी जब सोसाइटी बनी थी वो पंजीकृत की थी, जब पंजीकृत ही नहीं है तो सोसाइटी बनी नहीं है। तो और जो जो संचालन करा वो भाग गया है, तो अब जो बेसारा पशु वहाँ पे 15-20 जानवर वहाँ पे गेहूँ हैं बैल हैं वो पड़े हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो तो वैसे तड़फड़ कर मर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है और स्थानीय विधायक ऐसे करते हैं, जहाँ भी कुछ नहीं हो वहाँ पर जाके दे देते हैं अपनी वोट की राजनीति करने के लिए, तो बाई बाई लूटने के लिए करते हैं। पर उसका जल्द अभी हम देख रहे हैं जो हमारी गौएं वहाँ पे सड़ के मर रही हैं, सड़ सड़ के मर रही हैं, और बहुत भयानक दृश्य जो मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिला।